दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि हर एक ड्राइवर के लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये है कि हम गाड़ी पार्क करते वक्त गाड़ी को किस तरीके से पार्क करें। गाड़ी में गियर लगाकर पार्क करें, गाड़ी में न्यूट्रल लगाकर और फिर पार्किंग ब्रेक को यूज करते हुए पार्क करें, या फिर केवल और केवल पार्किंग ब्रेक का यूज करें। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आप तक आते रहें। देखिए, सबसे पहली बात, आपको गाड़ी को हमेशा अपने एक साइड में, लेफ्ट साइड में इस तरीके से खड़ी करनी है जिससे कि पीछे का कोई भी ट्रैफिक बाधित ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अभी मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में, ठीक है। देखिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए अब तीन तरीके की आपके सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये है कि आप गाड़ी को फ्लैट रोड पे खड़ी कर रहे हैं। फ्लैट रोड मतलब डाउनहिल भी नहीं है और अपहिल भी नहीं है। तो आप सबसे पहले गाड़ी को रोक लें। गाड़ी को रोकने के बाद में हैंड ब्रेक ऊपर खींच लें। ये देखिए, मैंने हैंड ब्रेक को ऊपर खींचा। हैंड ब्रेक ऊपर खींचने के बाद में गाड़ी को फर्स्ट गियर में इस तरीके से लगा दें और गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाकर गाड़ी बंद कर दें। गाड़ी को ऐसे ही छोड़कर, गाड़ी को लॉक करके आप चले जाएं। तो देखिए, फ्लैट रोड पे भी मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में खड़ी कर रहा हूं। वैसे तो अगर आप पार्किंग ब्रेक यूज करेंगे केवल तो भी काफी होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट गियर को यूज करते हैं तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है गाड़ी के लिए कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आगे पीछे गाड़ी नहीं होगी और आपकी गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी रहेगी। इसको इस तरह से कर सकते हैं कि डबल लॉक हो गया है। सेकेंड सिचुएशन जो आपके साथ हो सकती है या आ सकती है वो ये है, गाड़ी को अगर आपको अपहिल पे खड़ी करनी है, मतलब पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए। देखिए, अगर आप गाड़ी को हिल्स पे खड़े कर रहे हैं, मतलब अपहिल पे खड़ा कर रहे हैं, अपहिल का मतलब क्या है कि गाड़ी आपकी पहाड़ पे चढ़ रही है या किसी पुलिया पे चढ़ रही है और आपको उस समय गाड़ी को खड़ी करना है, वहां पे पार्किंग बना रखी है और आपको वहां पे खड़ी करनी है, तो क्या करेंगे आपको? तो उसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि गाड़ी को सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्रॉपरली जगह देखकर आप उसको रोक लें। देखिए इस तरीके से, अभी देखिए मेरी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ रही है और यहां पे मुझे पार्क करनी है, तो क्या करना होगा मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको हैंड ब्रेक खींचने हैं ऊपर की तरफ। हैंड ब्रेक लगाने के बाद में अब आपकी गाड़ी जगह पे रुक जाएगी। इसके बाद में आपको क्लच प्रेस करना है और गियर लीवर को फर्स्ट में मूव कर दें। आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में चली गई। इसके बाद में आपको एक थर्ड स्टेप और करनी है। अगर आप अभी देखेंगे लेफ्ट साइड में एक फुटपाथ है, तो अब आपको एक थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टीयरिंग को पूरी तरीके से राइट साइड में टर्न कर देंगे। राइट साइड में टर्न कर दिया। राइट साइड में टर्न करने के बाद में इसको छोड़ दें। अब आपने तीन चीजें की है यहाँ पे। सबसे पहले आपने हैंड ब्रेक लगाया है, उसके बाद में आपने फर्स्ट गियर लगाया है, और उसके बाद में आपने स्टीयरिंग को पूरी तरह से राइट साइड में कर दिया, यानी कि जिस तरफ से आपको ट्रैफिक आ रहा है या जिस तरफ आपकी रोड है या ये बोलते हैं फुटपाथ के विपरीत दिशा में आपने कर दिया। तो ये करने के बाद में आप गाड़ी को ऑफ कर दें। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी को मैं ऑफ कर देता हूं। ऑफ करने के बाद में मुझे ब्रेक से, क्लच से, सब जगह से पैर हटा लेना है और आराम से बैठ जाना है, और मैं अब यहां से गाड़ी आराम से खड़ी करके जा सकता हूं। देखिए, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ये तीनों स्टेप्स मैंने क्यों करी। सबसे पहली स्टेप थी कि पार्किंग ब्रेक को यूज करना, तो पार्किंग ब्रेक तो आपको यूज करना ही है, उससे क्या है कि आपके पीछे के दोनों टायर लॉक हो जाते हैं। सेकंड स्टेप, मैंने गियर लगाया और वो भी फर्स्ट गियर लगाया। मैं फर्स्ट से लेकर कोई भी फिफ्थ तक गियर लगा सकता हूँ, रिवर्स गियर नहीं लगाना है मुझे जब मैं अपहील पे गाड़ी खड़ी कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी को आप ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में उनको मूव करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पार्किंग ब्रेक फेल हो जाते हैं तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। अब फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक गियर लगाने पर गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी, यानी गाड़ी ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करेगी। थर्ड स्टेप मैंने किया कि स्टीयरिंग को पूरी तरह से राइट में मूव कर दिया। वो इसलिए किया कि मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप में बताई गई चीजें फेल हो जाती हैं, तो थर्ड स्टेप पे जो मैं बता रहा हूं उसके में अगर मैंने स्टीयरिंग को पूरी तरह से राइट में मूव कर दिया तो गाड़ी अगर पीछे मूव करना चाहेगी तो गाड़ी के टायर फुटपाथ पे टच हो जाएंगे और वो पीछे मूव नहीं कर पाएगी। अगर आप ये तीनों स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी अपहील पे आप बहुत इजीली खड़ी कर पाएंगे और सेफली खड़ी कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउनहिल पे क्या कैसे खड़ी करनी है आपको गाड़ी।
अभी मैं आपको बताता हूँ डेमो में कि किस तरह से इसको करना है। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने गाड़ी के हैंड ब्रेक लगाए, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर मुझे गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाना है। गाड़ी को रिवर्स गियर में लगा दिया। गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाने के बाद में मुझे क्या करना है, स्टीयरिंग को पूरी तरीके से लेफ्ट में टर्न करना है जितना रास्ता है। तो मैंने लेफ्ट में टर्न कर लिया। तो ये आपको तीनों चीजें करनी है जब आप डाउन हिल पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो जब मैंने स्टीयरिंग को पूरी तरीके से लेफ्ट में टर्न किया तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेप फेल हो जाती हैं तो आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड में फुटपाथ से जाके अटक जाएगी और रुक जाएगी। तो ये तीनों स्टेप आपकी गाड़ी को स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने डाउन हिल के लिए जो आपको स्टेप्स बताई हैं, ये स्टेप्स में मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है स्टेप से। देखिए सबसे पहले आपने पार्किंग ब्रेक लगाए, जो कि पार्किंग ब्रेक जो कि हमेशा आपको लगाना ही होते हैं कहीं पे भी गाड़ी पार्क करें। सेकंड स्टेप के अंदर आपको रिवर्स गियर लगा रहे हैं। रिवर्स गियर इसलिए लगा रहे हैं आप जिससे कि गाड़ी अगेन वही बात ग्रेविटी के अपोजिट में वर्क करे। मतलब क्योंकि अभी मैं डाउन हिल पे हूँ तो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर सकती है। तो गाड़ी जब आगे की तरफ मूव कर सकती है तो मेरे को ग्रेविटी के यानी कि गाड़ी को पीछे की तरफ करना है, धकेलना है या पीछे की तरफ रोक के रखना है तो मुझे रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। तो उसके अपोजिट में यानी कि गाड़ी नीचे नहीं जाए तो उसके अपोजिट में मुझे रिवर्स गियर लगाना होगा। और तीसरी स्टेप स्टीयरिंग को पूरी तरह से फुटपाथ की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करना है। उससे क्या होगा कि गाड़ी में अगर दोनों स्टेप्स जो हमने ली है वो दोनों स्टेप फेल हो जाती है तो फुटपाथ से जाकर टकराकर गाड़ी रुक जाएगी। क्योंकि अभी हमने टायर फुटपाथ की तरफ कर दिए हैं तो वहां पर जाके गाड़ी रुक जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका है गाड़ी को फ्लैट सरफेस पे या फिर अप हिल पे या डाउन हिल पे खड़ी करने के लिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज सेफ प्रैक्टिस। बहुत सारी जगह पर बहुत लोग इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं और वो केवल पार्किंग ब्रेक का यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। बहुत सारे देशों में देखा गया है कि इसको लर्निंग लाइसेंस के अंदर या लाइसेंस लेने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। हमारे देश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को जानें और ये प्रैक्टिस में लेके आए। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।